नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है फ्री बूस्टर डोज 75 रोज, मतलब ये कि अगले 75 दिन तक फ्री बूस्टर डोज दिए जाएंगे 18 से 59 साल तक के सभी लोगों को। यानी कोरोना के खिलाफ अब जो लड़ाई है वो निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है और जिस तरह से कोरोना का पूरा मामला सामने आया था उसके बाद जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम चला है बहुत तेज़ी से चला, अब उस मामले में एक नई बात यह आ गई है कि अब बूस्टर डोज भी फ्री में लोगों को मिलेगी। इससे पहले सरकार ने बूस्टर डोज का अंतर 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद 1% आबादी ने ही बूस्टर डोज लिया है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि बूस्टर डोज को लेकर लोगों में उदासीनता आखिर क्यों है, बूस्टर डोज आखिर क्यों ज़रूरी है और इसे नहीं लेना कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना को मात देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। अब 18 से 59 साल के बीच के लोगों को 15 जुलाई से 75 दिनों तक बूस्टर डोज फ्री मिलेगा। दरअसल देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में लापरवाही बढ़ती जा रही थी। बीते दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो औसतन रोजाना 17,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में कोरोना का असर सबसे ज्यादा है। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की उदासीनता एक बार फिर कोरोना को सिर उठाने का मौका दे सकती है। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की असल चिंता ये है कि 18 से 59 साल के बीच की 77 करोड़ की आबादी में महज 1% लोगों ने ही कोरोना की बूस्टर डोज ली है। हालांकि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के साथ हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वॉरियर्स में से करीब 26% लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं, लेकिन इसे लेकर लोगों की उदासीनता अभी बनी हुई है। सरकार की चिंता वाजिब है, जैसे ही लोगों पर दूसरी डोज का असर कम होने लगेगा कोरोना उन पर फिर से आक्रमण कर सकता है। सरकार ऐसी किसी परिस्थिति से बचना चाहती है। ये बताना जरूरी है कि बूस्टर डोज क्यों आवश्यक है। दरअसल ICMR और दूसरी ग्लोबल हेल्थ एजेंसियों की स्टडी के मुताबिक दो डोज से जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है उसका असर 6 महीने तक बना रहता है। ऐसे में बूस्टर डोज ही कोरोना को फिर से सिर उठाने से रोक सकता है। IMA की नेशनल टास्क फोर्स की एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि बूस्टर डोज देने वालों में 70% लोग कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में नहीं आए हैं। वहीं दोनों डोज लेने वाले लेकिन बूस्टर डोज न लेने वाले 45% लोग कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमित पाए गए। स्टडी में करीब 6,000 लोगों को शामिल किया गया। स्टडी में 24% लोग 40 साल से कम उम्र के थे और 50% लोग 40 से 59 साल की एज ग्रुप में। जहां तक देश में वैक्सीनेशन की बात है, अब तक 96% आबादी पहली डोज ले चुकी है, जबकि 87% लोग दोनों टीका लगवा चुके हैं। इसके साथ ही देश में कुल वैक्सीनेशन 199 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके हैं। कोरोना को अगर जड़ से मिटाना है तो पात्र होने पर बूस्टर डोज जरूर लें। ये न सिर्फ इम्यूनिटी डेवलप करता है बल्कि ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट के खिलाफ बेहद कारगर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ एक खास पैनल आज यहाँ पर है। हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता रावत, डीन है KEM हॉस्पिटल मुंबई की, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार है, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संगीता जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि अब तो 18 से 59 साल तक के लोगों के लिए इसे फ्री कर दिया गया है बूस्टर डोज को, लेकिन अब तक के आंकड़े बड़े चिंताजनक हैं क्योंकि 1% आबादी ने ही अब तक बूस्टर डोज लिया है। तो आपको लगता है कि सरकार के इस फैसले के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूस्टर डोज लगवाएंगे या अभी भी उदासीनता बनी रहेगी? उदासीनता का एक कारण मुझे मुख्य ये लग रहा है कि अभी जो थर्ड वेव में जो आए हैं सिम्टम्स वो काफी माइल्ड हो गए हैं, इसीलिए लोग अभी ऐसा सोचते हैं कि इसके लिए इससे डरना नहीं है, वो तो साधारण फ्लू के जैसा है,
बुखार आता है 2-3 दिन और हम ठीक हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास कुछ हमेशा ये तीसरे इसमें भी पांच छह लोग एडमिट होते हैं, और वो एडमिट होने को इसलिए होते हैं क्योंकि उनको जरूरत होती है एडमिशन की। तो कभी कभार क्योंकि वेरिएंट भी आते हैं ओमिक्रॉन के, अलग अलग वेरिएंट आते हैं, तो इसके लिए ये उदासीनता कम होके उन्होंने वैक्सीन डोज लेना बहुत जरूरी है। और जब ये पब्लिक हॉस्पिटल में अभी तक ये बूस्टर डोज इजीली अवेलेबल नहीं था, अगर अभी 15 जुलाई से हम भी ये अवेलेबल कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है और ज्यादा लोग लेंगे जरूरी, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ेगा कि अगर सरकार ये फ्री कर रही है तो उसके पीछे भी कुछ कारण होगा, क्योंकि कोरोना बढ़ सकता है और अगर उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है तो दोबारा उनको कोरोना हो सकता है। तो मुझे लगता है उदासीनता थोड़ी कम होगी इससे, इस बहुत सही स्टेप लिया है सरकार ने, और डेफिनेटली मोर लोग ये बूस्टर डोज लेने को आएंगे। आप कह रही हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे बूस्टर डोज के लिए, लेकिन मनोज जी एक बड़ी चिंता या बड़ा सवाल आपसे मेरा ये है कि मतलब कोरोना का खतरा कायम है, लेकिन फिर भी लोग बूस्टर डोज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख नहीं रहे हैं। इसके पीछे आपको वजह क्या दिख रही है? क्या लोगों ने कोरोना को अब गंभीरता से लेना छोड़ दिया है, क्योंकि 2-3-4 वेव लोगों ने देख लिया है तो अब लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कुछ डैमेज कर नहीं पाएगा? एक्चुअल रीजन क्या है इसका? देखिए मृत्युंजय जी, जैसा डॉक्टर रावत भी कह रही थी कि लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जो COVID-19 है वो कॉमन फ्लू जैसा है, लेकिन मैं यहां आपको एक बता दूं, जो अब तो एविडेंस है, एक साल बाद जो जिनको COVID-19 हुआ था उनमें जो कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन या जो हार्ट की बीमारियां हैं, अगर आपको मैं कहूं 1-1.5 लाख से ज्यादा लोगों की एक स्टडी है जो सेंट लुइस हेल्थ सिस्टम से रिसर्चर्स ने बनाया है, उसमें देखा गया है कि हार्ट फेल्योर का इंसिडेंस 72% बढ़ गया, हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस था वो 67% बढ़ गया। तो ये जो लॉन्ग कोविड है या जो कोविड के जो सिक्वेली हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो कॉमन फ्लू में नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे लोगों के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम और आप सब मिलके हमेशा इस विषय पे चर्चा करते रहे कि ये चीज जो COVID-19 वो कॉमन फ्लू कभी नहीं हो सकती है। और जो स्टडी जो अभी आई है इसमें ये भी देखा गया है कि जो बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज आपको 20 वीक्स के लिए बहुत सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शंस देती है, चाहे ओमिक्रॉन हो या ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट हो, BA.4 हो, BA.5 हो, सबके अगेंस्ट आपको बचाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो स्टडीज देखी गई है, जो 1.5 लाख लोगों की जो एक स्टडी मैं कोट कर रहा हूं, उसमें ये देखा गया है कि हर उम्र के, मतलब एडल्ट हो, बुजुर्ग हो, यंग एडल्ट्स हो, ब्लैक हो, वाइट हो, चाहे वो नॉन ओबीज हो, मोटे हो, पतले हो, सब में इस तरह के जो हृदय से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इक्वली था। तो इसके कहिए कि ये अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर जो था ये सब ग्रुप के लिए था, राइट, एवरी ग्रुप वाज इक्वली अफेक्टेड, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे व्हाइट हो, यंग हो, ओल्ड हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सावधानी और ये उसको लोगों को एडुकेट करने की जरूरत है। बूस्टर डोज अनिवार्य है, बूस्टर जितना वायरस स्प्रेड होगा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा, उतना ही ज्यादा म्यूटेट करेगा। अच्छा। तो ये बहुत ही जरूरी है और सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि फ्री 18 से 59 साल के लोगों को 15 जुलाई से बूस्टर डोज मिलेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है बूस्टर डोज लगवाना। हमारे साथ डॉक्टर एनके अरोड़ा जुड़ चुके हैं जो कि चेयरमैन हैं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और वैक्सीन के ऊपर तो आपसे कई बार बात हुई है हमारी। अब सर ये जो बड़ा कदम सरकार ने उठाया है कि बूस्टर डोज को फ्री कर दिया जाए अगले 75 दिन तक के लिए, आप जरा बताएं कि क्या वाकई इसका फायदा होगा? क्या जो गंभीरता हमने पहली डोज और सेकेंड डोज में देखी थी लोगों की वैक्सीन लेने के प्रति, उतनी गंभीरता हम देख पाएंगे? या आपको लगता है कि अब चूंकि अभी हमने देखा कि अब लोग कोरोना को उतना सीरियस ले नहीं रहे हैं जबकि मामले आ रहे हैं, तो आपकी इंटरनल जानकारी क्या कहती है, क्या ये बहुत ज्यादा कामयाब हो पाएगा ये कदम फ्री वाला? मृत्युंजय धन्यवाद मेरे को आमंत्रित करने के लिए। और अभी मैं जो सुन रहा था मनोज और डॉक्टर रावत की बात, वो बिल्कुल सही है कि समय के साथ लोगों में एक लापरवाही आई है कि ये बहुत हल्की बीमारी है। और ये बात सही भी है कि ओमिक्रॉन जब से आया है ये एक हल्का खांसी जुकाम की तरह होता है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। ज्यादातर क्या मतलब अस्पताल में दाखिल होने की संभावना या मृत्यु होने की संभावना बिल्कुल लगभग नगण्य के बराबर है। तो इसको एक हल्के तरीके से लिया जा रहा है, एक तो ये है। दूसरा
जो कुल मिलाकर के जो भय की एक स्थिति थी दूसरी लहर के बाद, वो करीब करीब खत्म हो गई है। और ये बात हम जो धरातल पे देख रहे हैं कि अस्पताल में लगभग 99.5% जो बेड हैं कोविड के, वो खाली पड़े हैं। ज्यादातर कोविड के बेड अब दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तीसरी चीज और भी हुई है कि इस समय कोविड वाला जो मृत्यु है उसमें दो तरह की मृत्यु होती है, एक कोविड की वजह से मृत्यु होती है और एक कोविड के साथ मृत्यु होती है। तो ज्यादातर इस समय सारी देश में जो मृत्यु हो रही है वो कोविड के साथ, यानी कि कोई कैंसर के साथ एडमिटेड है और उसको साथ में देखा, जांच करी तो कोविड निकल आया और उसकी मृत्यु हो गई, या इसी प्रकार से किसी को फेफड़ों की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है और उस समय कोविड की जांच की गई। तो को मॉर्बिडिटी एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है कि उस समय अगर कोविड हो जाता है तो मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और खास तौर पे ओमिक्रॉन के साथ, ओमिक्रॉन नवंबर के एंड से इस देश में देखा गया है, और इस बीच में हमने देखा है कि बड़े ही एक रेगुलर इंटरवल पे कोई ना कोई नया सब लीनिएज आता है, वेरिएंट नहीं सब लीनिएज आ रहा है। तो ये है तो तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से है, लेकिन समय समय पर नई म्यूटेशंस होती चली जा रही है। ठीक है। सौभाग्य से ये म्यूटेशंस का संक्रमण की जो क्षमता है, यानी कि कम इन्फेक्शन करने की क्षमता है, वो तो ज्यादा है, 10-20%, है। लेकिन गंभीर बीमारी एटलीस्ट हमारे देश में नहीं देखी गई। जिस तरीके से BA.5 है या BA.4 उत्तर अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में और यूरोप में उसकी वजह से दाखिल काफी लोग हुए हैं, लेकिन भारत में सौभाग्य से नहीं हुआ है हाँ और उतनी तेजी से उसका संक्रमण का प्रसार भी नहीं हुआ है। राइट तो सर। हमारे यहाँ पर अभी तक ओमिक्रॉन जो जो भी सब लीनेज है उसकी वजह से परेशानी नहीं हुई है। ठीक बात इतना है। कहने के बाद अब क्यों ये है कि जब टीका लगाया जाता है तो हम अपनी भविष्य के लिए सुरक्षा बनाने के लिए करते हैं, एक तरीके से भविष्य का इंश्योरेंस है। ठीक है। तो अगर भविष्य में कोई ऐसा वेरिएंट या सब लीनेज आता है जिसकी वजह से गंभीर बीमारी हो, तो उससे बचने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि ओके बूस्टर या प्रिकॉशन डोज लिया जाए। जी दूसरा कि जी साथ ही साथ कि जब हम बूस्टर डोज ले रहे होते हैं तो कई बार लोगों के मन में होता है कि साहब हमने वैक्सीन लगाया उसके बाद भी हमें हो इन्फेक्शन गया। हो गया, क्योंकि हाँ ओमिक्रॉन में ये भी एक कारण हो जाता है। लेकिन यहां मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगा जी कि दुनिया की कोई भी वैक्सीन कोविड वैक्सीन के, कोविड वायरस के इन्फेक्शन से नहीं बचा पाती, ये बिल्कुल बिल्कुल सच है आंकड़ों से। लेकिन गंभीर बीमारी और मृत्यु से हमारा बचाव करती है, और अच्छा। बूस्टर डोज हमारे चारों तरफ प्रतिरक्षा का जो आवरण है उसको और सुदृढ़ करने में सहायता करता है, और अगर कोई भविष्य में एक बदमाश वायरस आता है तो उससे भी हमारी बचाव हो सकेगी। हाँ इसलिए बूस्टर लगाना अत्यंत आवश्यक। ये बहुत ज़रूरी बात है, और इसीलिए हम सबको बूस्टर डोज को गंभीरता से क्यों लेना चाहिए, ये आपको डॉक्टर एनके अरोड़ा जी ने बहुत डिटेल में बताया ताकि आप इसकी गंभीरता को समझ पाएं। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। अब संगीता जी, आपसे मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी इसलिए भी बूस्टर डोज नहीं ले रहे हैं, उनका मतलब टाइम आने के बाद भी, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं कितनी बार डोज लेना पड़ेगा और कब तक ये वैक्सीन लेता रहूँ। तो 6 महीने का जो अभी टाइम तय किया गया है कि सेकेंड डोज के बाद 6 महीने के बाद आप ले सकते हैं, तो क्या 6 महीने के बाद बॉडी में इम्यूनिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, बची रहती है? मतलब 6 महीने के बाद क्यों ले लेना चाहिए, क्या उसके बाद खतरा ज़्यादा हो जाता है कोरोना होने का? नहीं, अब जो इम्यूनिटी वैक्सीन से होती है वो 6 महीने के बाद इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है। और ऐसा भी होता है कि अगर आपको कोरोना हुआ हो तो उसके बाद आपको 3 महीने तक एंटीबॉडीज आप में रहते हैं, तो ये समय के बाद आपके इम्यूनिटी कम होने लगती है, और अगर इम्यूनिटी कम होने लगी है तो आपको तीसरा या चौथा वेव में दोबारा कोरोना होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मगर आप अगर बूस्टर डोज लो तो आपकी इम्यूनिटी वापस बढ़ जाती है, तो ये आप जो तीसरे लहर में और चौथे लहर में हमने देखा है कि जिन्होंने बूस्टर डोज लिया था उनमें से बहुत कम लोगों को, 70% को नहीं हुआ, मगर जो बूस्टर डोज नहीं लिए थे उनमें से 40 या 50% लोगों को हुआ था। तो इट इज वेरी क्लियर कि अगर बूस्टर डोज लोगे तो आपकी इम्यूनिटी वापस बढ़ेगी, तो आप ये कोरोना के संक्रमण से वापस बच सकते हैं।
तो इम्यूनिटी डेफिनेटली गोज डाउन एंड ऑल्सो द न्यू वेरियंट्स ऑल्सो कमिंग, सो आपको बूस्टर डोज लेना बहुत जरूरी है, तो ही आपकी इम्यूनिटी चालू रह सकती है। अभी ऐसा है कि कई बार जो डॉक्टर मनोज ने उन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म कोविड का जो इफेक्ट है, ऐसे हमारे एक न्यूरोलॉजी में एक पहले हुआ था, उसके बाद एंसेफेलाइटिस लिथार्जिक का जैसे एक बीमारी हुई थी बहुत सालों बाद, तो हमें ये भी मालूम नहीं है ये कोविड का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होने वाला है ब्रेन पे 10 साल 5 साल के बाद। सो इट इज बहुत जरूरी है कि हम ये कोविड को अवॉइड करें। अच्छा, तो इसीलिए अगर जो भी हो सकता है आपको दोबारा लेना पड़े तीसरी बार चौथी बार, मगर जरूरी है क्योंकि हमें इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पता है। ऑलरेडी स्ट्रोक और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बढ़ गए हैं इसके बाद, तो अगर हम बूस्टर, हमारे पास एक इलाज है जो बूस्टर डोज लेके हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, तो वो क्यों ना करें। ठीक है, तो हम एटलीस्ट बूस्टर डोज लेना चाहिए, ये बात आपने कही ठीक है, लेकिन क्या ऐसे में आपको लगता है कि ये जो आपने कहा कि 3 महीने के बाद भी ये इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो क्या अभी तो 9 मंथ से घटाकर 6 मंथ किया है सेकेंड डोज और बूस्टर डोज के बीच गैप को, क्या इसको और कम करना चाहिए क्या 6 मंथ से भी कम? नहीं नहीं, इससे कम करने की जरूरत नहीं। 3 महीना में कब बोला, जब आपको कोरोना हुआ हो तभी आप में जो एंटीबॉडी डेवलप होते हैं वो 3 महीने के बाद कम होते हैं, तो उसके बाद वापस आपको बूस्टर डोज लेना है। ओके, ऐसा है, मगर आपको जो वैक्सीन लिया और उसके बाद अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है तो एंटीबॉडीज विल रिमेन टिल 6 मंथ्स। ओके, उसके बाद आपको दोबारा लेना। राइट, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब अरोड़ा जी एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, कि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी मान लीजिए हमने बूस्टर डोज लिया, तो क्या ये हर 6 महीने पर लेना पड़ेगा बूस्टर डोज, कब तक लेना पड़ेगा, मतलब ये वैक्सीन से छुटकारा मुक्ति कब तक मिलेगी? ये ऐसा है कि कोविड एक बिल्कुल नई बीमारी है, मानवता के लिए ये पहली बार इस तरह की बीमारी है, और साथ ही साथ ये पहली बीमारी है जिसमें जैसे ही महामारी आई उसकी आहट सुनी, लोगों वैक्सीन का निर्माण शुरू हुआ और वैक्सीन अब हमारे पास है। हमें कब और कितने समय तक वैक्सीन और वैक्सीन के बूस्टर चाहिए होंगे इस समय कहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, शायद एक भविष्यवक्ता ही बता पाएगा। लेकिन 2-3 चीजें मैं यहाँ साफ करना चाहूंगा कि हमारे ये वैक्सीन और उसके बूस्टर की जरूरत और उस बूस्टर का प्रभाव जो जो देश है और ज्योग्राफीज जो है भूगोल है उस पर बहुत निर्भर करता है। उसका कारण मैं बताता हूं कि ओमिक्रॉन हमारे यहाँ कोई ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं दिखा पाया, लेकिन दुनिया के खास तौर पे विकसित देशों में इसका दुष्प्रभाव काफी अधिक देखा गया। दूसरा B5 जैसे एक एग्जाम्पल है जिसका प्रसार अमेरिका में बहुत तेजी से हो रहा है या यूरोप में, लेकिन हमारे यहाँ पिछले 8 हफ्ते के बावजूद अभी भी 10% से कम है BA4 और BA5। तो वायरस का जो व्यवहार है वो समय और काल और स्थान के हिसाब से होता है, और भारत में क्योंकि हमारे यहाँ एक हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि हमारे यहाँ वैक्सीन लगभग सभी वयस्कों को मिल चुकी है, 1 डोज 2 डोज 87% को मिल चुकी है, और ज्यादातर वयस्कों में एक प्राकृतिक तौर पे कोविड का इन्फेक्शन भी हो गया, तो ये हमारे लिए एक तरीके से जो प्रतिरक्षा का आवरण है हमारा वो बहुत सुदृढ़ है। एक और है कि एंटीबॉडी ही खाली ये निर्णय नहीं लेती कि हमारी प्रतिरक्षा क्षमता है कि नहीं, लेकिन जो अभी आंकड़े हैं, पहले हम लोगों ने 9 महीने का अंतराल दिया था दूसरी डोज और तीसरी डोज के बीच में, अब उसको घटा करके 6 महीने कर दिया पिछले हफ्ते, और उसका कारण यह है कि भारत के अंदर जो अनुसंधान किए गए उसमें देखा गया कि 6 महीने बाद जब हम टीका देते हैं तो प्रतिरक्षा में काफी अच्छी वृद्धि होती है, और इसलिए 6 किया गया, जबकि हमने देखा था कि 9 महीने के बावजूद भी कम से कम पिछले 6-8 महीने में कोई हमारे यहाँ दाखिले की जरूरत या मृत्यु का आंकड़ा बहुत नहीं बढ़ा था। तो मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बूस्टर या प्रिकॉशन डोज है आगे कब कब चाहिए होगी इस बारे में कहना इस समय मुमकिन नहीं है, ये डिपेंड करेगा। और साथ ही मैं अपने श्रोताओं को एक अच्छी बात और बताना चाहूंगा कि देश में अब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कोविड वैक्सीन पे अनुसंधान और उसका निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उसका मकसद यह है कि जो आगे वाले आने समय में जो वैक्सीन हो वो उसका जो प्रतिरोधक क्षमता का दायरा है वो बढ़ जाए, और साथ ही साथ प्रतिरोधक क्षमता लंबे समय तक रहे, जैसे हम
खसरे का एक टीका लगाते हैं तो सारी उम्र उसका असर रहता है। तो इसी तरीके से इस पे अनुसंधान शुरू हो गया है देश में और उस बारे में बहुत सीरियसनेस से हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के भविष्य में क्या होगा कहना कहना वही मुश्किल है। लेकिन ये जो आपने बात कही, एक नई बात कही कि एक ऐसे वैक्सीन के ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है जो आपने एक बार लगा लिया तो ताउम्र उसकी इम्यूनिटी आपको मिलती रहेगी जो कुछ वैक्सीन में अभी है, ये एक अच्छी बात है। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की वैक्सीन आ जाए। लेकिन मनोज जी, बहुत सारे जो दर्शक हमारे हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, जो कोमॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट हैं जिनको हार्ट की बीमारी है या किडनी की बीमारी है या कोई और बीपी शुगर की बीमारी है, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनको भी बूस्टर डोज लेना चाहिए। उनके मन में एक झिझक है कि क्या वैक्सीन लें या ना लें, दो बार तो ले लिया है और उसकी वजह से कहीं बीमारी हमारी बढ़ ना जाए, घट, मतलब इसको लेके कन्फ्यूजन है। उन लोगों के लिए आपका मैसेज क्या है? देखिए मृत्युंजय जी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये सवाल जो है इसका जवाब ये है कि इनको ज्यादा जरूरत है इसकी। आपने देखा होगा जब भी कोविड 19, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो या किसी भी वेरिएंट के साथ, सब वेरिएंट ओमिक्रॉन्स के जो आ रहे हैं उसके साथ भी मॉर्टिलिटी किडनी डिजीज के प्रेजेंस में, हार्ट डिजीज के प्रेजेंस में, जिनकी पहले बाईपास सर्जरी हुई है, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, जिनकी इवन कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, जिनकी स्टेंटिंग हुई है, इन लोगों में मृत्यु दर ज्यादा है किसी भी कोमॉर्बिडिटी के प्रेजेंस में। तो ये ज्यादा इनको जरूरत है और इनको जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज लगाना चाहिए। और खास करके ये झिझक जो है कि कॉर्नरी आर्टरी में क्लॉट बन जाएगा, ये बन जाएगा, जितना अगर वैक्सीन से बनता उससे ज्यादा कोविड इन्फेक्शन से बनता है। और ये चीज देखा गया है और इसमें कंट्रोल स्टडी की गई है कि जो भी कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कोविड से ज्यादा होते हैं, न कि वैक्सीन की वजह से। तो ऐसे लोग अपने डॉक्टर से परामर्श करके और इवन जो एंटीप्लेटलेट्स, जो डिस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल लेते हैं, उनको भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, वो जाएं और अगर उनकी एलिजिबिलिटी है तो वो जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगाएं। उनको स्वस्थ आदमी से ज्यादा जरूरत है वैक्सीन की। ये एक साफ तौर पर ये मैसेज है, साफ सुथरा मैसेज ऐसे लोगों के लिए जो बीमार हैं, उनको उनके लिए भी, मतलब जो किसी कोमॉर्बिडिटीज के शिकार हैं उनके लिए भी बूस्टर डोज लेना जरूरी है। एक छोटा सवाल संगीता जी आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी बारिश का वक्त है, बारिश का मौसम है, इसमें अब इसमें बहुत सारे लोग सर्दी जुकाम के शिकार होते हैं, उनको सर्दी जुकाम होता है, तो अब अगर मान लीजिए उनका टाइम आ गया है बूस्टर डोज लेने का, सर्दी जुकाम है, उनके मन में कन्फ्यूजन है कोविड है कि नहीं है, तो क्या कोविड का टेस्ट करवा लें तब जाएं वैक्सीन लेने, क्या करें, मतलब ऐसे लोगों के लिए आपकी सलाह क्या है? नहीं, वो अगर उनको अभी सर्दी जुकाम और बुखार है, सिर्फ सर्दी जुकाम नहीं मगर बुखार है तो वो कोविड हो सकता है। तो इसीलिए तो आरटीपीसीआर करवा ले, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल ऐसे हर हॉस्पिटल में आरटीपीसीआर होता है और वहीं पे अगर वो नेगेटिव आता है तो दूसरे दिन आके वो टीका ले सकते हैं। तो मगर क्योंकि कोविड होगा तो उनको फिर ऑलरेडी एंटीबॉडीज हो रहे हैं तो फिर वो बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं होगी उनको। सो अगर आपको बुखार है और सर्दी खांसी है तो आप आरटीपीसीआर करा लीजिए और उसके बाद फिर अगर वो नेगेटिव आए तो आप ले सकते हैं बूस्टर डोज। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी उन लोगों के लिए जो ये सवाल जानना चाह रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए जो इस वक्त सर्दी जुकाम जिनको हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए क्या रूल है वैक्सीन लेने का, बूस्टर डोज लेने का। बहुत शुक्रिया संगीता जी आपका, मनोज जी आपका, एन के अरोड़ा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में समझाने के लिए हमारे ऑडियंस को कि बूस्टर डोज हम सब के लिए क्यों जरूरी है, क्यों हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप वाकई कोरोना को पूरी तरह से हराना चाहते हैं, कोरोना को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, तो कोरोना से लड़ाई में बूस्टर डोज एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है।